मार्केट में जब जाते हो आपको चुटकी में ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका कौन सा एयरफोन सूटेबल है। ये चीज़ आपको पता हो तो आप तुरंत सही चीज़ खरीद सकते हो। एयरफोन आर बेस्ट फ्रेंड है थंबनेल तो आप सबने जरूर देख लिया होगा। एयरफोन सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप क्या जानते हो कि एयरफोन में जो रिंग या कट रहता है वो कौन सा यूज़ के लिए आता है और वो क्यों रहता है? तो आपको मैं आज बताऊंगा कि एयरफोन में जो रिंग रहता है उसका इस्तेमाल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। कोई एयरफोन में आप देखोगे कि एक रिंग रहता है, कोई एयरफोन में रहता है दो रिंग, कोई एयरफोन में तीन रिंग भी रहता है। हम लोग जो नॉर्मल स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं उसमें तीन रिंग रहता है। तो आपको आज एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा रिंग में क्या यूज़ होता है और क्यों ऐसे बनाया जाता है। तो पहला वाला जो सिंगल रिंग वाला एयरफोन है उसको मोनो एयरफोन बोलते हैं। मोनो एयरफोन एक काम में आता है, जो हम लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ या कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करता हूँ वॉइस, और टीवी पिक्चर ये सब में वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वो मोनो एयरफोन यूज़ किया जाता है। मोनो एयरफोन में ऐसा है कि आपका खाली मोनो से साउंड ही रिकॉर्ड करता है। मोनो साउंड मतलब आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊँ तो मोनो साउंड ऐसा होता है कि आप वो मोनो साउंड को रिकॉर्डिंग करके आप कोई डिवाइस में या लैपटॉप में स्टोर करके आप एयरफोन से नॉर्मली सुनोगे तो आपको खाली लेफ्ट कान में ही सुनाई देगा, राइट कान में नहीं सुनाई देगा। आप ये चेक कर सकते हो, उसको एडिटिंग किया जाता है। दूसरा जो दो खाना वाला एयरफोन है या दो रिंग वाला एयरफोन है उसको स्टीरियो एयरफोन बोला जाता है। स्टीरियो एयरफोन हम लोग जो स्टीरियो ऑडियो यूज़ कर लिया यूज़ होता है। स्टीरियो ऑडियो मतलब जो हम लोग जो स्पीकर स्टीरियो में लगाता हूँ, जो मोनो एयरफोन में जो दो रिंग रहता है उसका जो ऊपर वाला जो रिंग रहता है, ऊपर वाला रिंग का मतलब वो लेफ्ट साइड वाला एयरफोन बजेगा, और जो नीचे वाला बीच वाला रहता है वो बीच वाला मतलब राइट साइड वाला बजेगा, और नीचे वाला होता है ग्राउंड। जो तीन रिंग वाला एयरफोन रहता है वो तीन रिंग वाला हम लोग नॉर्मली जो स्मार्टफोन में आता है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें आप बात भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो, दोनों चीज़ यूज़ होता है। तो जो तीन रिंग वाला एयरफोन होता है उसका ऊपर वाला में लेफ्ट एयर वाला रहता है, उस दूसरा वाला राइट एयर वाला रहता है, तीसरा नंबर रहता है ये राइट और लेफ्ट और माइक का ग्राउंड, और जो नीचे वाला लास्ट वाला रहता है उसका माइक में यूज होता है, जो जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयरफोन में जो तीन रिंग रहते हैं उसका मतलब क्या है। आपको लगता है मेरा ये एयरफोन के बारे में बताने से कुछ आपको जानकारी मिला तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।